स्टेशन में चाचा नील और रंगत से पूछताछ शुरू होती है। टीना की मौत का कारण क्या हो सकता है? देखिए, हम लोगों को लगता है कि टीना ने सुसाइड किया है। क्यों? वो एक लड़के से प्यार करती थी भाई साहब, यानी टीना के पिताजी, उन्होंने उन दोनों को मिलने से मना किया था। इस बीच काफी पाबंदियां भी थी उस पर, हो सकता है इन्हीं वजहों से। नहीं नहीं, आत्महत्या नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी पे जो घाव के निशान है वो दो जगह पे, एक जगह नहीं है, एक पेट पे और एक सिर पे। देखिए, कोई भी इंसान अगर आत्महत्या करने की कोशिश करेगा, पेट पे चाकू मारेगा, तो सिर पे चोट कैसे लगेगी? और अगर सिर पे चोट लगी है तो पेट पे घाव कैसे पैदा होगा? सुसाइड नहीं है। हमने तो इन सब चीजों पे गौर नहीं किया, बस उसकी लाश देखी और आपको बुला लिया। वैसे करते क्या आप लोग? जी भाई साहब की प्रॉपर्टी की देखभाल और टीना पर नजर रखते हैं बस। वो भाई साहब ने कहा था। अच्छा, ये लड़का कौन था जो टीना से प्यार करता था? कुनाल नाम था उसका। कैसा लड़का? जी बहुत ही सीधा और दिल का साफ। मुझे याद है कि कुनाल एक बार टीना से बात करने की कोशिश कर रहा था। ये सब पाबंदियों के बाद की बात है। टीना ने उसे थप्पड़ मार दिया, हम लोग हंस पड़े, पर उस बेचारे ने कुछ नहीं कहा। सीधा लड़का, तब तो ये बात दिल पे ले गया होगा। ऐसे लोग छोटी सी एम्बरेसमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। शरीर के घाव देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने बड़ी बेदर्दी के साथ मारा है उसे, बदला लिया किसी चीज का। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा इंस्पेक्टर साहब। बात यकीन की नहीं, शक की है। और ये चौकीदार? पता नहीं सर, वो क्यों गायब है। कब से था आपके घर में? था तो वो 20 साल से, मगर कुछ दिन पहले हमने उसे किसी से घर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हुए सुना। चौहान साहब पूरे जाने वाले हैं, उसके बाद बचे हुए उनके दोनों भाई और टीना, सारी प्रॉपर्टी टीना के नाम पर है। आपने पूछा उससे, किससे बात कर रहा था? नहीं, वो कुछ दिनों से कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। हम लोग उस पर कुछ दिन और निगाह रखना चाहते थे। लेकिन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी किसके नाम है? ऑब्वियस है, टीना की, क्योंकि टीना भाई साहब की इकलौती बेटी थी। पिताजी ने भी अपनी सारी प्रॉपर्टी भाई साहब को ही दी थी। दरअसल हम भाई साहब के सौतेले भाई हैं, मगर भाई साहब ने हमें कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। ये प्रॉपर्टी के बारे में मंगल किससे बात कर रहा था ये जानना बहुत जरूरी है। हरि सिंह। यस सर। 3 दिन के इनके टेलीफोन की डिटेल्स पता करो। यस सर। आपका मतलब है कि मंगल सिंह खून करके फरार हो गया? पता नहीं, मंगल सिंह, कुणाल या आप लोग। हम चौंकिए मत, कत्ल आपके घर के अंदर हुआ है, लड़की चिल्लाई जरूर होगी, आप लोग सोते रह गए। लेट्स इट्स योर जॉब, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। हरि सिंह। यस सर। कुणाल को बुलवा।